गाइस एक खुशखबरी है। अच्छा से हैंडल कर रहे हैं, देखो हाथी से गुड़गामा जो है हैंडल हो। शब्दों में बयान नहीं कर सकता भैया, इतना बड़प्पन है आपका। मैंने वॉलपेपर लगा के ना देखो कैसे बना दिया, कर्टन भी ऑर्डर दे दिया और कर्टन भी बनकर आने वाले, गाड़ी लेने की प्लानिंग। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में मजे से होंगे। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के बज गया 7:45 और इधर ये रही भाई चेशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इधर वो रही भाई जानू। और चेशु को भाई आज तैयार भी मैंने किया, नहलाया भी मैंने, सारे काम मैंने किए। उसका रीजन ये है कि भी शिल्पा की थी तबीयत खराब और अभी आया हूँ मैं इधर घर पर। और इधर ये रहा भाई चेशु का ब्रेकफास्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। चेशु जानू, जानू ने कर लिया? नहीं मैंने कुछ खाया नहीं। क्यों नहीं। खा ले नहीं। मम्मी जानू कुछ नहीं खाती, खा ले भाई, डाल दो इसको भी, खा लेगी ये। जल्दी कर फटाफट चल, पेपर आज भूखे पेट नहीं जाना। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर चेशु और जानू को दोनों को छोड़कर आएंगे स्कूल, ठीक है? फटाफट कर लो। तो अभी गाइस जानू भी ले आई है अपना ब्रेकफास्ट। क्यों कड़ी क्यों नहीं डाली भाई? नहीं कड़ी पसंद नहीं। कड़ी पसंद ही नहीं है? तो गाइस जानू खा रही है अभी बिना कड़ी के चावल, फटाफट कर ले अब, ठीक है? चेशु के फिनिश होने वाले हैं, जल्दी कर, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, आराम से गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडे हो गए, ठंडे हो गए तो थोड़ा धीरे धीरे खा लो। तो बहुत सारा टाइम बढ़ा, देख पहले 8 बजे। कोई बात नहीं, आज 2-4-5 मिनट लेट हो जाएंगे बेटा, लेकिन कोई बात नहीं। अभी गाइज मैं चेशु जानू को छोड़ा है स्कूल और अभी पहुंच गया हूँ घर। और इधर ये रही भाई शिल्पा। हेलो किवे? छोड़ा है। खड़ी हो मम्मी अपना ब्रेकफास्ट बना दिया होगा, मैं ले आता हूँ। खड़ी हो ब्रश वगैरह कर, ब्रेकफास्ट कर ले। खड़ी हो ले, उठ रही हूँ, रुक जा। तो गाइस उधर मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया था और अभी कॉल आया कि भाई बन गया और ले जाओ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट ले आता हूँ और तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर शिल्पा को दोबारा से लेकर जाता हूँ, देखता हूँ अभी क्या दिक्कत है, क्या मेन क्या प्रॉब्लम हो रही है। खड़ी हो ले फिर, हो जा फटाफट कर ले। अभी गाइस इधर आ गया बहुत ही जबरदस्त वाला ब्रेकफास्ट। इधर अभी कड़ी और साथ में परोंठे और इधर ये भी शिल्पा बहुत ही मुश्किल से उठाया और बहुत ही मुश्किल से कहा है कि ब्रेकफास्ट कर ले। क्यों नहीं करना था ब्रेकफास्ट? अरे अभी जो तो बत्ती कुछ भी नहीं करा मैंने। कोई बात नहीं, अब तबीयत खराब हो तो फिर चलता है ऐसे, कोई बात नहीं। क्योंकि ना गाइस इसका डेली का नियम है कि सुबह उठ के पहले नहाना, फिर पूजा करना और फिर ब्रेकफास्ट करना। ऐसे कभी इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो आज भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रेकफास्ट पहले ही कर रही है बिना नहाए। गलत हो गया ना, खुशखबरी है और मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपसे शेयर ना करूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दुख हो सुख हो मैं हर बात शेयर करता हूँ आपसे। तो अभी एक खुशखबरी की बात यह है कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, जो अभी मेरे पास कॉल आई है पोस्टमैन की कि आपका जो है लेटर आया हुआ है और वो जाकर आप ले लो। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ गूगल एडसेंस पिन अपना। तो अभी चलते हैं सीधा ही और गूगल एडसेंस पिन लेकर आते हैं। तो फाइनली गाइज आई रिसीव माय गूगल एडसेंस पिन। तो भाई ये रहा मेरा गूगल एडसेंस पिन। तो भाई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भाई ये भी हमारे लिए, क्योंकि ना ये हमारा ना YouTube का फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। क्यों भाई? हाँ, हाँ।
तो अभी बहुत एक्साइटमेंट थी हमें इस चीज की कि पहले एक बार ही आया था और चला गया था वापस, और आज भाई आ चुका है हमारा गूगल एडसेंस पिन। तो ये रहा गाइस, तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए ये, और बहुत ही खुशी है। आप ना सोच नहीं सकते मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मेरा ये गूगल एडसेंस पिन जो है ना आ चुका है। और अभी जो है खोलेंगे इसे, और जैसे जैसे भी इसके जो भी स्टेप है आगे कंप्लीट करेंगे, और जल्दी से जाके ना अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत आगे बढ़ा दो हमें। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। और ऐसा हो रहा है कि गैप आ रहा है वीडियो में, अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बाकी ना कोशिश तो हमारी ये रहती है कि डेली वीडियो बनाए, लेकिन कोई ना कोई तकलीफ आई रहती है। उस बीच में रहता ही है कि मैं बीच में ऐसे ही हो जाता है कि भी बिजी हो जाता हूँ, या ऐसे लगा लो अब शिल्पा की तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास लेकर जाना, उस बीच में ना कोई वीडियो ना बना नहीं पाता क्योंकि एडिटिंग भी मेरे को करनी होती है, वीडियो शूट भी मेरे को करना होता है, तो इस बीच में ना रह जाता है वो सब। तो कोशिश ये रहेगी कि आगे से डेली वीडियो अपलोड करें। बाकी ये जो अचीवमेंट है ना, आप सोच नहीं सकते कि कितनी खुशी की बात है। तो अभी जल्दी से इसे ओपन करता हूँ मैं, और जो भी आगे के जो भी स्टेप हैं वो गौतम भैया से बात करते हैं और उन्हें भी देते हैं ये खुशखबरी, क्योंकि ना गौतम भैया ने इतना साथ दिया मेरा, यानी अगर मैंने आधी रात को भी कॉल कर दी ना और कोई काम है तो भैया ने ऐसा नहीं है कि फोन रिसीव नहीं किया, हमेशा ही बात किया मुझसे, हर एक चीज समझाई है, यानी बहुत साथ दिया मेरा। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यानी आज मैं जो भी कुछ हूं ना, यानी जो भी मेरी अचीवमेंट है तो वो आपकी वजह से भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और मैं अब क्या बताऊं, कभी ना जाऊंगा गौतम भैया के पास, और बहुत जल्दी गौतम भैया आपके पास आऊंगा भी, और सारी चीज दिखाऊंगा मैं आपको, और मिलवाऊंगा आप सभी को गौतम भैया से भी, यानी इतने नाइस पर्सन है, मैं आपको ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कभी मैं जाऊंगा और मिलवाऊंगा जरूर आप सभी। रेडी भी नहीं हुआ सही से, मतलब ना धोया भी नहीं, हो भी काम पे बैठ गया था, आते ही ऑफिस चल रहा मेरा। अच्छा उधर ऑफिस भी चल रहा है भैया का, और मेरा सेटअप भी चल रहा है, देखो यहाँ से मैंने ना देखो ऐसे कर रखा है, भैया को ही देखो, भैया ने ही संभाल रखा है सारा। तो ये है हमारे गौतम भैया, और मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना भैया की उतनी कम है, सच बता रहा हूँ। बड़प्पन है भाई आपका? नहीं, बड़प्पन नहीं भैया, ये आपका बड़प्पन है कि जब भी हमने फोन किया या जब भी कोई काम हुआ है तो आपने हमेशा साथ दिया, ये आपका बड़प्पन है भैया। तो ये है हमारे गौतम भैया, मैं आपसे जिक्र हमेशा करता रहता हूँ कि गौतम भैया से मिलवाऊंगा, तो अभी मैंने सोचा अभी जब जाना होगा होगा, लेकिन आज जो है ना भैया से मिलवा ही देता हूँ। तो ये हमारे गौतम भैया। इतना अच्छा भी नहीं लग रहा भाई आज, नहीं तो अच्छा कोई लड़की नहीं देखनी वैसे लेकिन ये है कि भाई दिल से अच्छा होना चाहिए इंसान, तो वो आपके अंदर खूबी है भैया। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये है हमारे गौतम भैया, और उधर भाभी भी, भाभी कहाँ गए? अभी बुला रहा हूँ, मानो आओ, जतिन जी का कॉल आया, आ रहे हैं। वो तो गुड़िया को तो दिखा दो, अब बाकी सबको दिखा रहे हैं, ये रही गुड़िया। बेटा करो बेटा? चाचू है, ताऊ जी है, आप देखो आपने डिसाइड करना है। अरे कुछ भी बोलो बच्चों के ऊपर है। चशे हेलो कर दो, चशे हेलो कर बेटा, करो हेलो, कर दिया मैंने। और उधर वो देखो, या चाची बनाना या ताई, आपकी मर्जी है वो। चाची बनाएगी भैया, तो हेलो कर दो। हेलो। और उधर वो देखो भाई, कहते थे ना गंजा कोई नहीं है, वो देख वो गंजा आ गया। तो गंजा तो मेरा छुटकू भी है। छुटकू भी है, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। हाय, बढ़िया, सब ठीक है? सब ठीक है, अच्छा है। और इधर हेलो, बढ़िया, अपना बताओ। ये तो जिंदगी है, चल रही है। बेटियां अच्छी हैं, ये देखो, एक तो ये रही, एक घर है दादी पास। अच्छा, और खाना हो गया? बस रात की तैयारी अभी चालू करेंगे।
अभी बैठे थे। होली के लिए हम कुछ नहीं बनाते, हम जो भी होता है मार्केट से ही ले आते हैं। मैं तो कल होली खेलूंगा। अभी ना, अभी तक ना ये बीमार बैठी थी, इतनी तबीयत खराब थी कि उठा भी नहीं जा रहा था। देखो फोन बात करने के लिए ना एकदम से जोश आ गया है ना। सही है, ये भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सही बात है ना। तो भाई ये हमारे गौतम भैया, उनका बेटा और उधर भाभी हैं साथ में, मिलवा देता हूँ भाई। गौतम भैया और नाम भूल गया मैं, उधर से भावना भाभी, मोकू, मोकू बोलते हैं प्यार से, मोकू। कैसे बोलता है देखो, वो देखो कैसे बोलता है, छोटा सा। तो मेरी तो छोटी थी पहले, अब तो छोटी नहीं है। तो बीबी तो छोटी हूँ। कब लगा रहे हो फिर चक्कर? बहुत बहुत जल्दी भैया, बहुत जल्दी, जल्दी मिलेंगे। और इधर जो है भैया ने मेरा ना गूगल एडसेंस पिन का ना जितना भी सेटअप था ना वो भी कंप्लीट कर दिया। और कहाँ गया मेरा गूगल एडसेंस पिन? वो ये रहा भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ हाँ गलत बात। तो भैया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी वैसे जितना भी चैनल है ना मेरा, जितना भी सेटअप है चैनल का, वो भैया ने ही संभाल रखा है टोटली। यानी उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, भैया का ही हाथ है। जितना भी वो चाहे कितना भी ग्रो कर रहा है वो भैया के ही हाथ में है। अब भी आज भी जितना बहुत बढ़िया सेटअप किया भैया ने, वो भी गौतम भैया ने किया। तो मेहनत है आपकी, हम तो पीछे बैठे। नहीं मेहनत तो मैं आजकल तो मेहनत हो ही नहीं रही, सारी मेहनत जा रही है हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों के पास। तो हाँ तो ये सब चल रहा है आजकल, लाइफ जो चल रही है वो ऐसे ही चल रही है हमारी। सही है, आओ फिर जल्दी। हाँ बैठेंगे, आएंगे बहुत सारे, जब जिस दिन जतिन भाई मिलने आएंगे बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे। और उस दिन का व्लॉग जो होगा ना वो बहुत खतरनाक वाला व्लॉग होगा, यानी ऐसा होगा कि छा जाएंगे। सही बात है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ करने? लो करो। चला रहे हो? दिखा दो आप। ये देखो। तो रहा है फोन। इसे भी ना आदत हो जाएगी, यानी इसे अभी तक वो नहीं है ना, कैरन से बात करने पे देख कैसे करती है और अब देख कैसे कर रही है ना। मोकू हेलो बोल दो। हेलो मोकू बहुत बड़ा हो गया मेरे ख्याल से। हासी तो आया ही नहीं था ना पहले जब आए थे आप। क्या कह रहे हो? हासी तो आया ही नहीं था ना पहले, मोकू साथ में नहीं आया था। मोकू नहीं था उस टाइम। मोकू नहीं था। बस मैं भी नहा दूंगा बस। भैया 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 वहां कर रहे हैं होली सेलिब्रेट। और अभी चल ही रहा है, आज भी है कल भी है थोड़ा। देखो देखो ये जितना भी सेटअप है ना, देखो भैया साथ के साथ करते जा रहे हैं, घुमाना जरा पता चल जाए सबको। ये देखो ये यहाँ से, हाँ ये वहां से हैंडल कर रहे हैं। देखो हासी से गुड़गावा जो है हैंडल हो रहा है सब। तो कुल मिला के बात यह है कि जितनी तारीफ की जाए ना भैया की उतनी कम है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। और दिल से है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी मैं कुछ नहीं कह सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता भैया, इतना बड़प्पन है आपका। प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, बस बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। भाभी तो बात ही नहीं कर रहे, ज्यादा तबीयत खराब है उनकी। भाभी ना ये रे भाभी भाभी कुछ नहीं कह रहे, तबीयत खराब होगी अपनी के नाम से है। ये लो। और बताओ भैया, आ जाओ हंसी, आ जाओ हंसी नहीं आते हंसी नहीं आते हंसी नहीं भाई हंसी आता गले की फांसी बच जाएगा ना। नहीं आओ, स्वागत है पूरी फैमिली का दिल से।
हाँ गुड़गांव जरूर आएंगे हम, देखते हैं काफी दिन आप लोग लगाओ चक्कर लगाओ, जब जब प्लान करते हैं तब तक मैं बीमार हो जाती हूँ। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है भाभी, बाय बाय। अब तो जल्दी से क्या है ना, मानना पड़ेगा भाई, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में जो आने वाले ना गौतम भैया आने वाले हैं भाई हमारे, और जल्दी मिलेंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो बने रहो चैनल पे, भैया के चैनल पे आएगा जतिन भाई के, अपन सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हैं आजकल, ज्यादा कुछ नहीं करते अपन। गौतम भैया का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वैसे है आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर जाकर गौतम भावना व्लॉग्स, तो आप जाओ सर्च करो और सब्सक्राइब करो चैनल, जितने भी सब देख रहे हैं। ठीक है जतिन भाई, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपको भी भैया, आपको भी भैया। हाँ जी, हाँ जी, ओके भैया, मिलते हैं फिर। गुड़गांव से बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, हैप्पी होली, बाय बाय, बाय कर दो, बाय, सेम टू यू भाभी, बाय बाय। तो गाइज ये थे हमारे गौतम भैया, और रियल बताऊं यानी ना सगे से भी अच्छा प्यार देते हैं भैया हमें, यानी ना इतना कोई सगा भी प्यार नहीं करता होगा मुझे, और इतना प्यार देते हैं मुझे, यानी मैं ना बार बार भैया के बारे में यही बोल रहा हूँ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता भैया के बारे में, जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। क्यों शिल्पा, सच बात है ना, सच बात है तो। और अभी भी देखो सेटअप चल रहा है, यानी ये देखो भैया अभी भी सेटअप कर रहे हैं, ये देखो यानी मेरी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है लैपटॉप पे, जितना भी हैंडल है ना वो भैया ने कर रखा है, देखो सब भैया चला रहे हैं। तो यानी कहने की बात है इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना भैया हमारे लिए कर रहे हैं, और इसमें ना उनका कोई लालच नहीं है, सिर्फ ना एक दिल मिलने वाली बात है, ये ना एक सिर्फ दिल मिला हुआ है जो भैया इतना सब कर रहे हैं। क्यों और क्या, मैं तो अपना भी नहीं करता इतना। हाँ। जितना ये करते हैं, क्योंकि ना यानी जितना भी सेटअप है मेरा एडसेंस पिन का वो भैया ने किया है आज भी, तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ जितनी तारीफ की जाए ना गौतम भैया की उतनी कम है। और अभी भी देखो सेटअप कर रहे हैं, और उधर से भैया का कॉल भी आ रहा है, देखो आ रहा ना। और अभी गाइज मेरी लैपटॉप की जितनी भी सेटिंग थी ना वो गौतम भैया ने कर दिया कंप्लीट, अभी कॉल आई थी बोल रहे थे कि भी सारा कंप्लीट हो गया, तो मैंने शट डाउन कर दिया, वैसे तो भैया ने ही कर दिया था, मैंने तो नहीं किया खैर, लेकिन बहुत बढ़िया सेटअप कर दिया भैया ने। और इधर शिल्पा बना कर आई थी भी चाय, शिल्पा ने तो पी लिया, साथ में खाया ब्रेड, और इधर हमारी देखो ये बैठे बैठे देखो क्या कर गया, ये एक में से मीठी मीठी खा गई है, एक में से मीठे मीठे खाली तोशे तोशे खा गया, बाकी सब ऐसे छोड़ रखा है। क्यों, बाकी कुछ पसंद नहीं है क्या, सिर्फ देख ले पूरा डब्बा भरा हुआ था, ऐसे बैठे बैठे खा गई, मट्ठी वगैरह खाती है। हाँ सिर्फ ना गुड़ के तोशे खाती है। तो गाइस ये हम ना कल हिसार गए थे शिल्पा की दवाई लेने के लिए, तो ये सब ले आए थे मैं, चलो थोड़ा सा ना चाय के साथ थोड़ा सा ठीक सा लगता है, भी कोई आया गया भी हो या वैसे भी या थोड़ा सा मन करता है कोई कुछ खा ले, क्योंकि शिल्पा भी ऐसे ही कुछ रहता तो है ही, लेकिन अब इसने कुछ खाना तो है नहीं, अभी ब्रेड के सहारे चल रही है अब, लेकिन थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि यार ये तो गलत हो रहा है, अब खाना नहीं है और तेरे को लगेगा कि भी जान के ला रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज नहीं सच्चाई नहीं है ये झूठ है। हंसती है जिसने ना खाना हो तो उसको तो ऐसे ही लगेगा अभी जाने के ला रहे हैं मेरे को चिढ़ाने के लिए, नहीं ऐसा कभी हो सकता है, वैसे हो सकता है भाई अपने शरीर है मेरा शरीर मैं नहीं खा सकती क्या करूं। बाकी कमेंट आ रहा है कि शिल्पा पहले से पतली हो गई है, कहीं ना हुई पतली पतली नहीं ऐसा नहीं है, लगभग 6-7 किलो वजन तो कम हो गया शिल्पा का। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ,
तो भाई देख लो, ये हमारा ना रूम का डोर है जो पहले प्लेन होता था, लेकिन मैंने वॉलपेपर लगा के ना देखो कैसे बना दिया इसको। तो आप कमेंट करके बता देना कि कैसा लग रहा है। और अभी ना यहाँ के लिए भी मैंने एक डोर के लिए बोल दिया, अभी कल या परसों में लग जाएगा ये भी। और इधर भी ऐसे ही वॉलपेपर लगा दूंगा, सेम हो जाएगा। और कर्टन वगैरह मैंने, जो कर्टन वगैरह भी हैं वो भी मैंने जो है पसंद कर रखे हैं, वो भी बहुत ही जबरदस्त वाले हैं। क्यों है ना, बहुत बड़े। तो गाइज मैंने कर्टन भी ऑर्डर दे दिया और कर्टन भी बनकर आने वाले हैं, यानी एक दो दिन लग जाएंगे। अभी होली है, होली की एक दो दिन की छुट्टी है, लेकिन बनकर आ जाएंगे। और बहुत ही जबरदस्त कर्टन है। और इधर के लिए बेड भी लेना है, वो भी अभी देखो नेक्स्ट वीक तक बेड भी ले आएंगे। तो यानी ना गजब का रूम बना देंगे एक बार। रूम का सेटअप तो बढ़िया हो जाएगा, नीचे जो फर्श वगैरह है वो भी बढ़िया, यानी बढ़िया सेटअप हो जाएगा हमारा रूम जो है ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी जैसे ऐसे बिखरा बिखरा सा है ना, वो सब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? और अभी जो है हम गाड़ी लेने की भी प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन कैंसिल हो गया। उसका रीजन बताता हूँ। बोलते हैं कि दो दो गाड़ी क्या करनी है, अभी एक ही काफी है। क्यों? और क्या करनी है अभी? अभी दूसरी गाड़ी की कोई वो नहीं है। अभी हम गए थे, देखे भी है, सारे काम किए हैं, लेकिन अभी कोई प्लानिंग नहीं है। वैसे मैंने लेनी थी सिर्फ इको वैन, और कुछ भी नहीं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं, सुपर कार या ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे को इको वैन लेनी थी मेरे काम के पर्पज से, लेकिन अभी हमने रोक दिया उसे, अभी नहीं लेंगे। कभी यूँ लगा लो कि दो चार महीने रुक कर ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेते। तो अभी फिलहाल चाय शिल्पा ने पी लिया, मेरी चाय जो है इधर ठंडी हो गई है। तो अभी चलते हैं सीधा ही मार्केट, क्योंकि चेशु का मन कर रहा कुछ खाने का। अभी तो भुजिया से काम चला रही है, क्या खाना है? चेशु को सैंडविच खाना है, लेकिन मैं इसको सैंडविच नहीं, कुछ और बहुत बढ़िया चीज खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ बढ़िया सी चीज खिला के आऊंगा और दिखाऊंगा। मैं कल परसों लाया था ना फिंगर चिप्स, तो वहीं पर ही लेकर जा रहा हूँ और चेशु को खिलाऊंगा बहुत ही जबरदस्त वाली चीज, क्योंकि ना मुझे बहुत बढ़िया सेटअप लगा और उसकी क्वालिटी, यानी फूड क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है। तो अभी सीधा ही चलते हैं वहीं पर और चेशु को खिलाकर आते हैं। अच्छे थे ना, तो अभी वहीं पर ही चलते हैं। ठीक है, चलो।